हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी, यू आर वॉचिंग आर्मिक अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स आपका जो आपने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मैंने आपके इस तरह वीडियोज बनाई है डिफरेंशिएशन पर, उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है उसका, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूज हैं। नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा किसी कर्व का फाइंड आउट कर सकते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम आज करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं कोई एक कर्व ड्रॉ करूंगा। This is y axis and this is x axis. Suppose मैंने यहाँ पे कोई एक curve draw किया, y is equal to fx इसको मैंने लिया, ठीक है। यहाँ से कोई point लिया मैंने और उस पर मैंने क्या किया, एक tangent draw किया, ठीक है। और इस tangent के मैंने point लिए x1 and y1। कोई doubt नहीं यहाँ तक, मैंने एक curve लिया y is equal to fx, उस पर एक tangent draw किया, तो मेरे को उस tangent का equation बताना है आपको, ठीक है। अब उस टेंजेंट का इक्वेशन बताने के लिए, दिस इज द ओरिजिन ओ जीरो जीरो मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। अब ये मैंने सपोज कोई एंगल ले लिया, फाई एंगल ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंसेस, कोई भी आपका कर्व होगा, कोई भी लाइक एफ एक्स है तो उसका आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड dy by dx of curve of the given curve like fx dy by dx is equal to f dash x आएगा, और जो आपका f dash x आएगा, this is known as the slope, ये आपका slope of tangent होता है, ठीक है। dy by dx is also known as the slope of tangent. This is the slope of tangent dy by dx, dy by dx. और आप dy by dx आपका curve पर आपके जो point होंगे x1 and y1, find the slope, value of slope at x1 and y1, then you can put the value of slope in the equation, and equation of tangent is, क्या होगा equation of tangent, मैं आपको बता रहा हूँ, tangent equation हो जाएगा y minus y1, sorry. y minus y1 into is equal to m into x minus x1. This is the equation of tangent. y minus y1 is equal to m into x minus x1. m is the slope of tangent. m क्या होगा बेटा आपका? m is the slope of tangent. This is the m. dy by dx आपका m क्या होगा? dy by dx. This is the slope of tangent. तो कोई भी आपके पास कर्व गिवन होगा उसका इक्वेशन आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट आपका जो कर्व होगा उसका डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड आउट करेंगे, आपका जो पॉइंट होंगे वहां पर स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। स्लोप का वैल्यू जैसे ही आएगा उसको आप पुट करेंगे, इक्वेशन ये है y minus y1 is equal to m into x minus x1, तो यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये बात समझ आई आपको, ठीक है। प्लीज नॉट एक्ट, सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे पास है कर्व एफ वाई इक्वल टू, क्वेश्चन इज वाई इक्वल टू, क्वेश्चन वाइज कर दो एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, दिस इज अ कर्व, ठीक है। और इसका एट एक्स इज इक्वल टू टू, एट एट एक्स इज इक्वल टू टू, आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है इसका। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने फर्स्ट प्रोसेस क्या बताया था, फाइंड द डीवा बाई डी एक्स, देन यू कैन फाइंड डीवा बाई डी एक्स, एंड दिस इज द स्लोप, स्लोप एंड ऑल्सो इक्वल टू एम, ठीक है। dy by dx is equal to 3x square minus 1, इसका क्लियर, यहाँ पे क्या होगा 3x square is equal to minus 1, तो ये आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया,
ठीक है। अब एक बात आप मेरे को बता सकते हो, इसमें वाई तो है ही बेटा, वाई तो है ही, तो आप क्या निकालेंगे इसमें? वाई वैसे आप निकाल सकते हो यहां से ना, यहां पे एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। वैसे वाई इक्वल टू यहां से एक्स क्यूब मींस 2 पावर 3 माइनस 2 दिस विल बी इक्वल टू 6, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो आपका जो डी बाय डीएक्स आएगा, डी बाय डीएक्स एट 2 कॉमा 6 दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे एक्स है ओनली 3 इनटू 2 पावर 2 माइनस 1 एंड दिस इज 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। आपका जो स्लोप आया है m आया है कितना है 11 आया, क्या है 11 एंड x एंड y इज 2 एंड 6। तो अब आप क्या करेंगे इसमें बता सकते हो मेरे को? ये आपका स्लोप आ चुका है, रिक्वायर्ड स्लोप 3x² - 1, ठीक है, एंड व्हिच इज इक्वल टू 11। अगर आपको इक्वेशन इसका पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन, इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन इज 2 एंड इज इक्वल टू m, m क्या है 11 इंटू y माइनस 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 2 11 y माइनस 66, नाउ x माइनस 11 y एंड इज इक्वल टू माइनस ए प्लस हो जाएगा 64, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? ओके, यहाँ पे थोड़ा दिखा नहीं, यहाँ पे माइनस 64 है, ठीक है बेटा, इसको चेक कर लेना। चल अभी मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ साइन और कोस के टर्म में, फिर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा आपके बोर्ड में ना। चल एक अच्छा सा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पॉइंट इज y, कर्व इज y स्क्वायर टू 2 sin x, 2 sin x प्लस sin 2x प्लस sin 2x, ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब देखो आपको पहले तो आपको ये चेक करना है कि एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पर y की क्या वैल्यू है, तभी तो दो पॉइंट आएंगे आपके। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 2 sin पाई बाय 3 एंड प्लस sin 2 इनटू पाई बाय 3, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट y इज इक्वल टू क्या लेगा, 2 पाई बाय 3 कितना है, पाई बाय 3 मींस 60, this will be equal to under root 3 by 2 plus 2 pi by 3, 2 pi by 3 is 120, ठीक है, और 120 की वैल्यू क्या होती है, minus 1 by 2, I think तो यही होती है भाई, ठीक है, क्या होती है, minus 1 by 2, और यहाँ पर भी क्या है, curve is y is equal to 2 sin x, ठीक है, बेटा समझ आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे sin 2 pi by 3 आप चेक करो ना बेटा, sin 2 pi by 3, 2 pi by 3 कितना होता है बेटा, 2 into 180 upon 30, ये कैंसिल कर दो 60 and this is 120, और आप लिख सकते हो यहाँ पे sin 120 क्या होता है, sin 120 इसका तो sin 90 plus 30, और ये हो जाएगा आपका as plus रहेगा, this is cos 30, और cos 30 क्या होता है under root 3 by 2, this is also under root 3 by 2, टू अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री बाई टू। तो मेरा वाई इक्वल टू आ गया, एक पॉइंट एक्स है, एक्स क्या है पाई बाय थ्री, वाई क्या है थ्री अंडर रूट थ्री बाई टू, इज दैट क्लियर? चलिए आगे, नाउ आपका जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट आप क्वेश्चन को अपने एक्स पॉइंट पर है वाई पॉइंट पर है, नाउ आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, मींस स्लोप, स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप इज y is equal to dy by dx find out करो, इसका dy by dx is 2 sin x का क्या होगा cos x and plus sin 2x का cos 2x into 2, यहाँ पे 2 लगा, is that clear? Okay, now what the value of dy by dx at x is equal to pi by 3, क्योंकि x ही है इसमें, pi तो है, तो इसमें x की pi by 3 पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो
2 इंटू कॉस पाई बाई 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई 3, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 2 इंटू 1 बाई 2 एंड प्लस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, क्योंकि cos 2 pi by 3 की वैल्यू minus 1 by 2 होती है, ये बात याद रखना, cos 120 की वैल्यू minus 1 by 2 होती है, कैसे होती है, देखो, cos 120 इसका भी cos को एटम कर देते हैं, this will be equal to cos 90 plus 30, and cos 90 plus 30, minus sin 30, and minus sin 30 is minus 1 by 2, minus क्यों दिया मैंने, this is the point, why, we can take minus, क्यों, देखो, बेटा आपको पता है ना आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए एस टी सी, फर्स्ट में आपका ऑल पॉजिटिव, सेकंड में आपका साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव कॉस, अब ये 90 प्लस 30 मींस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30, यहां पे तो कॉस क्या है, माइनस है, तो माइनस है, बेटा ठीक है, चलिए धीरे धीरे आएंगे आपको, ठीक है, चलो तो आपकी जो वैल्यू आई वो आपकी जो स्लोप आई वो क्या आ गई, वो तो बेटा बहुत इजी हो गया, dy by dx is equal to 0 आ गई, f x is equal to pi by 3 को 0 आ गई स्लोप, तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई बेटा, x minus x1, x minus x1 into m into y minus y1, and what is the slope, x minus x1 is pi by 3 and slope 0, y minus y1 is 3 under root 3 by 2, करके दिखाना आपको, तो ये तो 0 हो गया, तो x is equal to pi by 3 is the required solution, means required equation of tangent for this curve, is that clear, समझ आया, चलिए, तो ये तो आपका equation of tangent find out कर लेना था, tangent का equation कैसे find out करेंगे, with the help of application of derivative, ये आपका use हो गया, आपका application हो गया derivation का, now we can find the equation of normal, तो normal को कैसे find out कर सकते हैं, normal का equation कैसे करेंगे, देखिए, इसको मैं आपको बता दूँ, देखो, equation of normal, equation of normal, normal का equation कैसे find out करते हैं, देखिए simple है आपका, simple तो आपको same करना है, but एक changes करना है, आपका जो slope आएगा ना, जो slope आएगा उसका क्या करेंगे, with negative sign, reciprocal with negative sign of the slope, reciprocal to the reciprocal to slope with negative sign, ठीक है, with negative means आपका अगर m है तो उसको आप change कर देंगे minus 1 by m, is that clear, this is the important, slope is equal to minus 1 by slope, is that clear, ये आपका equation of normals के लिए, normals के लिए आपका equation of normal actual में होगा क्या, equation of normal is x minus x1 is equal to minus 1 by m into y minus 1, this is the equation of normal, is that clear, simple है, ये आपका equation of normal, समझ आया बेटा, दिख रहा है आपको, sure, ठीक है, this is the equation of normal, so now how we can find the equation of normal, इसके लिए हम कोई question pick करते हैं, चलिए, अच्छा question है, आपके exam में भी आता है, चलो, बेटा note कर लेना साथ के साथ, देखो, find the equation of normal, equation of normal, आपके point है at the point a m square, point r a m square and a m cube
एम क्यू फॉर द कर्व, फॉर द कर्व, फॉर द कर्व क्या होगा कर्व ए वाई क्यूब इक्वल टू एक्स, नहीं ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका कर्व है, दिस इज द कर्व एंड दिस इज द पॉइंट्स, ठीक है। आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो लगाओ दिमाग लगाओ करो इसको। चलिए आपका इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट आप स्लोप फाइंड आउट करो, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, a into constant this is 2y divided by x is that clear is equal to 3x square, कोई डाउट इस बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहां पे क्या आएगा, divided by dx फाइंड आउट करो, तो divided by dx इंप्लाई divided by dx is 3x square upon 2ay, 3x square upon 2ay, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपका आ गया स्लोप। अब स्लोप आपका ये आ चुका है, बट आपके पॉइंट ए गिवन है, तो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है एट पॉइंट दैट, तो dy by dx is dy by dx at point am square comma am cube, ठीक है, यहां पे फाइंड आउट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x 3x square क्या होगा a a square and m power 4, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट वही x square है, तो now 2a and y is am cube, is that clear, a square से a square कैंसिल हो गया, m cube से हो गया, तो आपका आ जाएगा 3 by 2 n, ठीक है 3 m by 2, इसको लिखेंगे आप 3 m by 2। Now what is the equation of normal? अब देखो यहाँ पे equation of normal इसको रफ कर दूँ, ठीक है आप देख लेना इसको। आपके point थे a m square and a m cube. Then the equation of normal, equation of normal x minus x1, x1 is a m cube. And is equal to 1 by minus 1 by normal में क्या होता था minus 1 by m, तो ये क्या हो जाएगा minus 2m by 3, sorry 2m by 3m, m नीचे रहेगा क्योंकि this is 3m by 2 and इसका reverse reciprocal 2 by m 3, 3m, ठीक है, and now y minus y1 is am cube, that's it, this is the equation of normal, इसको simplify कर दीजिए थोड़ा, कर सकते हैं करो, x minus a m cube is equal to minus 2 y by 3 m and minus minus plus 2 a m cube by 3 m, हम से एक m cancel कर दो 2 बचेगा, तो this is the answer, आप इसी को यही आप answer लिख सकते हो, या 3 से भी multiply कर 3 m से कर सकते हो, ठीक है 3 m से multiply कर सकते हो, कर सकते हो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लिखो x plus 2 y by 3 m and this will be equal to a m cube and plus 2 a m square by 3, this is the required equation of normal, ठीक है ये आपका आंसर है, क्लियर हुआ, चलिए एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ लास्ट, उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, आप बेटा बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप को अपना एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करना है अभी करें तो प्लीज़ हम मैसेज कर सकते हो, ठीक है, एंड आप इस पर भी संपर्क कर सकते हो 7452923644, दिस इज द ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर फॉर एनी इंक्वायरी अबाउट आविक अकेडमी, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज last is find the determine the point, आपको point determine करना है, determine the point, देखिए इस type का question दिया जाता है, मैंने equation of tangent find out करना बताया, equation of normal find out करना बताया, अब आप एक question कर लीजिए, आपको point के determine करने हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको या आप एक question और करो normal का, देखो find the equation of normal, find the
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कर्व, एट अ पॉइंट ऑफ कर्व क्या पॉइंट क्या है आपका कर्व लिख दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दिस इज द कर्व, ठीक है। इस पे आपको नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करना। अच्छा नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मैंने आपको बताया बेटा, जैसे आपने टेंजेंट बताया था मैंने आपको, एक कर्व लिया था, ये कर्व ले लिया था, इसके टेंजेंट से ही एक लाइन ड्रॉ की थी, वहां पे टेंजेंट आ गया, बट यहां पे जो पॉइंट होगा इसके ऐसे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे रख दो, ये आपका जो नॉर्मल होगा ना इसका इक्वेशन हम फाइंड आउट कर, जो कर्व है इसका नॉर्मल, ठीक है। कर्व का नॉर्मल मींस आपका परपेंडिकुलर एट राइट एंगल, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो कर्व आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 5 व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट इज 1, 2, आपका कोमा जो कर्व है वो पास कर रहा है 1, 2 से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट्स इट। तो यहां से d/dx निकालो, 2x डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2x इज इक्वल टू 4d/dx। इसको करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, 2 दिस वन d/dx इज इक्वल टू x/2 इज इट क्लियर। नाउ व्हाट आपका 1 2 है मींस यहां पे 1 पुट कर देंगे, आपका जो स्लोप है एट पॉइंट 1 एंड 2 स्लोप यानी d/dx एट 1, 2। नाउ व्हाट 1/2 तो का स्लोप क्या होगा 1/2 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द m, दिस इज द m एंड व्हाट इज द -1/n, ये हो जाएगा आपका -2, इज दैट क्लियर। चलिए अब आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज -1/m (y-1)। This is the equation of normal. Now x minus x1 is 1 and minus minus 2 plus ho jayega and y minus this is 2. This is the equation of normal. Now you can see x plus 2x isko idhar laayenge minus 2y idhar aapka minus 4 hoga aur ye plus ho jayega. This is plus 3 also. This is the equation of normal, I think. ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए x plus y, हाँ ठीक है बेटा, समझ आया। ये आपका यहाँ पे था 4 ये हो गया था 2 ये 1/2, ठीक है, एंड 1/2 आपका इक्वेशन सही आ गया। चलिए ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कैसे फाइंड आउट किया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और कोई प्रॉब्लम्स हो आपको डाउट्स हो तो आप प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर भी हमें डाउट्स दे सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आज का चैप्टर यहीं क्लोज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ ये फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में तो कम से कम शेयर करें। थैंक यू सो मच।